अगर आप राशि रेसिपीज चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने अनुभव मेरी रेसिपीज पर ज़रूर से शेयर करें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राशि रेसिपीज डॉट कॉम। कच्ची हल्दी की सब्जी पारंपरिक रूप से राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी है। स्वाद के साथ साथ इसमें औषधीय गुण भी बहुत हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है। सर्दियों में तो 3 से 4 बारी आप इस सब्जी को ज़रूर से बनाकर खाएं। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही सिंपल है और इससे आपकी हल्दी की सब्जी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी और हल्दी की सब्जी आपकी फेवरेट सब्जियों में से एक हो जाएगी। तो आइए देखते हैं हल्दी की सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और उसे कैसे बनाते हैं। मैंने ली है 250 ग्राम फ्रेश कच्ची हल्दी। ये देखने में अदरक जैसी दिखती है लेकिन जब आप इसे चाकू से छीलेंगे तो ये अंदर से एकदम पीली दिखेगी, बिल्कुल हल्दी जैसी। कच्ची हल्दी को हम कद्दूकस कर लेंगे। और मैंने लिए 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 3 हरी मिर्च, 1 टमाटर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन चारों को हम मिक्सी में पीस लेंगे। और मैंने लिया है 1 प्याज जिसको मैंने चॉप कर लिया है। मैं हल्दी के साथ मटर डालूंगी तो मैंने मटर लिए हैं 1 कप। और नमक लिया है मैंने 1.5 छोटी चम्मच। 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। थोड़ा हरा धनिया लिया जिसको चॉप कर लिया है। 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च। और ये मैंने लिया है दही, ये घर का जमा हुआ दही है, ये थोड़ा सा खट्टा है। और मैंने लिया है मटर, आप और कोई भी सब्जी ले सकते हैं, फूल गोभी, गाजर, जो भी पसंद करें। और मैंने लिया है जीरा 1 छोटी चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च, 3 लौंग, थोड़े से काजू और किशमिश, 1 तेज़पत्ता। मैंने लिया है 200 ग्राम घी। 250 ग्राम हल्दी के लिए 200 ग्राम घी चाहिए होगा। हल्दी की तासीर बहुत गर्म होती है और उसको बैलेंस करने के लिए ये सब्ज़ी हमें घी में ही बनानी है और इसका स्वाद भी घी में ही अच्छा लगेगा। और टमाटर, 3 हरी मिर्ची और ये लहसुन और अदरक है, इसको पीस के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। कच्ची हल्दी को छील करके हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं। गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म होने पर हम उसमें घी डाल देंगे। लगभग इसमें 1/2 घी हम डाल देंगे और इतना घी हम बचा लेंगे। हमने हल्दी ग्रेट कर ली है और घी भी अब गर्म हो गया है। अब ये हल्दी हम घी में डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। हल्दी ने पूरा घी एब्जॉर्ब कर लिया है लेकिन जैसे जैसे ये पकेगी, ये देखिए, ये हल्दी ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है और अब ये पकने लगी है। लेकिन अभी इसको थोड़ा और पकाएंगे। ये देखिए इस तरह से लग रही है, ये घी छूटने लगा है। हल्दी पक चुकी है, इसने सारा घी छोड़ दिया है और खुशबू भी आने लगी है। हल्दी का कलर भी देखिए चेंज हो गया है। अब हल्दी को हम एक बोल में अलग निकाल लेंगे। ये हमने निकाल ली है बोल में और ये इतना घी बच गया है। अब इसी के अंदर जो घी हमने बचाया था वो सारा घी इसमें डाल देंगे। घी गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है और अब इसमें हम डाल देते हैं तेजपत्ता और इसमें डालेंगे साबुत जीरा। अब डाल देंगे लौंग, काली मिर्च, काजू और किशमिश। अच्छी तरह से हिला देंगे और ये जो प्याज हमने चॉप किए थे ये भी हम डाल देंगे और इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, ऊपर फ्लोट करने लगेंगे। ये देखिए ये ऊपर तैरने लग गया है प्याज। अब हम इसके अंदर टमाटर, अदरक, लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो हम डाल देंगे। जो लोग प्याज नहीं खाते वो प्याज और लहसुन को स्किप कर सकते हैं और इसके साथ डाल सकते हैं खसखस। खसखस रात भर भिगो दीजिए 1/4 कप और उसको टमाटर के साथ पीस कर आप इसमें मिला सकते हैं। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक ये पक रहा है पेस्ट हमारा, हम दही के अंदर ही मसाले मिला देंगे। ये हमने दही ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया पाउडर
और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जब ये पेस्ट अच्छी तरह से पक जाएगा, घी छोड़ने लगेगा, तब हम इसके अंदर ये जो दही जिसमें हमने मसाला डाला था वो हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। और इसे हमें छोड़ना नहीं है, लगातार चलाना है, क्योंकि दही फट सकता है अगर हम इसे छोड़ देंगे तो। ये देखिए घी अच्छी तरह से छूट गया है, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसके अंदर मटर डाल देंगे। जो लोग गोभी, गाजर या हरे प्याज डालना चाहते हैं वो इस वक्त बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। और मटर पक जाए तब तक हम इसको ढक के रख देते हैं लगभग 1.5 से 2 मिनट। 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं और एक बार चेक कर लेते हैं, मटर पक चुका है बहुत अच्छी तरह से, मसाला वगैरह सब कुछ पक गया है। अब जो हल्दी हमने फ्राई की थी वो हम इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से हिला देंगे और देखिए ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा घी एब्जॉर्ब हो गया है। इसी में नमक डाल देंगे, लेकिन अब जब इसको थोड़ा और पकाएंगे तो ये सब्ज़ी वापस से घी छोड़ देगी। थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से ढक के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सब्ज़ी पक चुकी है, देखिए इसने घी छोड़ दिया है और सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो हल्दी की सब्ज़ी को बोल के अंदर सर्व कर लेते हैं। सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। इस हल्दी की सब्ज़ी की रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें और अपने अनुभव आप मेरे रेसिपी चैनल पे ज़रूर से दें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो राशि रेसिपीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर से दबाएँ।